जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष राय आप सभी का स्वागत करता हूं नीट शास्त्र के आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नीट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 2020 नीट देने वाले हैं या 2021 का प्लान कर रहे हैं, तो आपको कौन सी ऐसी बुक है जो पढ़नी चाहिए जो आपको नीट में सिलेक्शन दिला सकता है, क्योंकि अब मेडिकल के लिए सिर्फ एक और एक ही एग्जाम हो रहा है वो नीट। तो आपको बुक जो होगा क्या आपको पढ़ना है, ये बहुत ही तरीके से आपको चूज करना होगा, क्योंकि पहले जब स्टेट मेडिकल के एग्जाम्स होते थे, एम्स होते थे, तो अलग अलग वैरायटी के अलग अलग राइटर्स बुक लिखते थे, अलग अलग किसी ना किसी का किसी में तुक्का लगता था और उसके पैटर्न को फॉलो होकर वो क्वेश्चन आता था। पर जब एक गेटवे है सिर्फ, तो आपको बुक बहुत ही प्रिसाइजली चूज करना होगा। तो इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखिएगा, एक एक चीज का बात बताऊंगा आपको कि नीट के लिए कौन सा बुक आपको इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए, कौन सा क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। ठीक है, इस वीडियो में हम फिजिक्स की बात करेंगे, अगले वीडियो में केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि फिजिक्स जो है 45 क्वेश्चन आता है आपका, और यही आपका रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ठीक है, सिलेक्शन आप जो होता है, कई बच्चों का आप देखेंगे बायोलॉजी में बहुत अच्छा मार्क्स आता है, केमिस्ट्री में एवरेज आता है, पर फिजिक्स नहीं कर पाते हैं, और फिजिक्स नहीं कर पाने की वजह से वो डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। तो अगर आप बनना चाहते हैं डॉक्टर तो फिजिक्स को लीजिए अभी से सीरियसली। ठीक है, देखिए जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है, ठीक है, उसमें आता है आपका मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स का, और मैकेनिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही आसान आते हैं। ठीक है, ये नहीं कि रोटेशनल कंजर्वेशन वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं, आपके इधर के फोर्स सोर्स से, काइनेमेटिक्स से, ये सबसे क्वेश्चंस आते हैं बढ़िया। ठीक है, रोटेशन से बहुत आएगा तो आसान आएगा, नहीं एक आध तो नहीं आता है। ठीक है, फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टेट। अब इलेक्ट्रोस्टेट्स में क्या है आपका, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म भी कुछ हद तक इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, ये आपका वेटेज वाला चैप्टर है। और फिर तीसरा जो आपका वेटेज वाला चैप्टर है वो है सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स इसको कहे। ठीक है, लॉजिक गेट, सेमीकंडक्टर, इसमें सब कुछ आएगा, ये मॉडर्न भी इसी में आएगा, सेमीकंडक्टर इसको मॉडर्न ही मानिए। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है, एक बार पढ़ेंगे और आपको पूरा का पूरा ये आप कर ले जाएंगे क्वेश्चंस वहां पे। हो सकता हो कि इलेक्ट्रोस्टेट और मैकेनिक्स में आपको प्रॉब्लम आ जाए पढ़ने के बाद, पर सेमीकंडक्टर और मॉडर्न में आप एक बार पढ़ लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हम आपको पढ़ाएंगे नीट शास्त्र में सारे चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है आपके नीट्स के लिए। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कोई नीट का एस्पिरेंट्स है तो उस तक इस चैनल को जरूर शेयर करिए। चलिए अब बात करते हैं बुक्स के बारे में। तो देखिए, बेसिक सबको पता है कि फिजिक्स के लिए बाइबल बोली जाती है एचसी वर्मा, पर सबको ये नहीं पता है उसको पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, तो एचसी वर्मा सर ने बहुत अच्छी किताब लिखी है। ठीक है, ऐसी एक किताब है, मतलब हम तो कहेंगे अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक ऐसी एक किताब आई है जो इररलेस है, मतलब जिसमें इरर है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा किताब बहुत मुश्किल से ही मिलता है, वो एचसी वर्मा सर ने लिखी है। तो पहला आपको अगर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बता रहा हूं, ठीक है, अगर किताब आपको पास होनी चाहिए आपके रैंक में तो एससीबी होनी चाहिए, दो पार्ट में आती है, 11th और 12th करके। ठीक है, एससीबी पढ़ने का तरीका देखिए, सबसे पहली बात आप बता दूं एससीबी बुक सक्सेस की हो बहुत ज्यादा, इसका थ्योरी पढ़ेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में, ऐसा नहीं कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है तभी आप बुक कर पाएंगे, आप यूपी मीडियम के छात्र हैं तब भी आप एससीबी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसका जो समझाने का तरीका है थ्योरी का, एक्सप्लेनेटरी वे है, प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल्स लेके सर ने उसको लिखा है बुक को, तो ये आपको थ्योरी के लिए बेस्ट बुक रहेगा। ठीक है, एससीबी की बात करें, थोड़ा कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेंगे। देखिए एससीबी में क्या है कि आपका पहले तो थ्योरी दिया होता है, ठीक है, कोई भी चीज समझाया होता है, उसके साथ एक एग्जांपल्स करके दिखाए होते हैं क्वेश्चंस के, और जो ये एग्जांपल्स होते हैं यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं, यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक, इतना ही नहीं, हर थ्योरी एग्जाम के बाद उसके बाद चैप्टर के बाद एक अलग से सॉल्व्ड एग्जांपल करके दिया जाता है, और ये सारे हर एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस है, वो नहीं हो सकते, हो सकता है फिजिक्स के साइंस के स्टूडेंट है तो उसमें थोड़ा सा डाटा इधर उधर करके क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, तो एससीबी पढ़ना क्या है, आपको थ्योरी पढ़ना है, उसके एग्जाम्पल जो दिए हुए एकदम रट डालना, रटना नहीं है पढ़ना है, उसको समझना है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है इसमें शॉर्ट आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक जब एम्स एग्जाम होता था उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि इस क्वेश्चन में रीजनिंग छुपी होती है कि कोई क्वेश्चन आ रहा आंसर तो उसका क्यों आ रहा है, वाई, इसके पीछे का वाई छुपा होता था इसमें, शॉर्ट आंसर। ठीक है, अब उसके बाद जो होता है शॉर्ट आंसर के बाद इसमें एक और चीज होता है ऑब्जेक्टिव वन और ऑब्जेक्टिव टू, दो लेवल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सबने बनाया है। ठीक है, जो जेई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टू प्रीफर करते हैं ज्यादातर करना, मैं भी आपको बोलूंगा ऑब्जेक्टिव वन और ऑब्जेक्टिव टू करिए आप दोनों,
और करिए नहीं उसको, जैसे ये नहीं चार ऑप्शन है तो इसका तीसरा लग रहा है, ऐसे नहीं करना है। तो चार ऑप्शन है तो उसको क्यों तीसरा आ रहा है इसके पीछे का रीजनिंग ढूंढना है कि चौथा क्यों नहीं आ रहा है। जिस दिन आप तीन गलत आंसर खोज ले जाएंगे उस दिन आप डॉक्टर बन जाएंगे। आपको एक सही आंसर नहीं, तीन गलत आंसर खोजने हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्जेक्टिव वन और ऑब्जेक्टिव टू आपको पूरा सॉल्व करना है। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपको अभी नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि जहां तक एनटीए का सवाल है, अगर नीट का सवाल है तो एनटीए करा रही, तो बहुत फिजिक्स स्टफ नहीं देगी एनटीए, तो मुझे नहीं लगता कि सब्जेक्टिव करने की आपकी जरूरत है। फिर भी आप सब्जेक्टिव करिएगा तो चैप्टर वाइज वैसे मैं बताते जाऊंगा हर चैप्टर, अगर हम लोग पढ़ाएंगे भी कि सब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन करना है। मान के चलिए 30 क्वेश्चन होते हैं उनके सब्जेक्टिव में, 30-35 क्वेश्चन, तो आपको 1 से 10 या 12 तक करना है, ठीक है। और देखिए एक चीज और बता दूं, आप बहुत सारी किताब लगाएंगे उसमें 100-100 क्वेश्चन, 200-200 क्वेश्चन होंगे, पर एस सी वर्मा सर के किताब में क्वेश्चन की नंबर कम रखा गया क्योंकि उन्होंने क्वालिटी पे प्रीफर किया, क्वांटिटी पे नहीं। अगर आप 5 सवाल लगा रहे हैं तो 5 तरह के सवाल लगा रहे हैं, और फिजिक्स में ये चीज बहुत मायने करती है, केमिस्ट्री में ये चीज बहुत मायने करती है, ठीक है। बायोलॉजी में आप एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार लगाइए, एक ही चीज को बार बार करिए, लेकिन फिजिक्स में आप जब करते हैं तो अपने चीजों को बिल्डअप करने के लिए बार बार अलग अलग तरह की चीजों को लगाना पड़ता है। तो आपके पास एस सी वर्मा होना मस्त है, और एस सी वर्मा को पढ़ना कैसे ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अगला एक बुक आता है कि सर थ्योरी हमने पढ़ लिया, क्योंकि एस सी वर्मा सर की कोई कमी तो नहीं है किताब में, पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उनमें क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस के लिए फ्रेशर्स बच्चे हैं उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उनको और क्वेश्चंस बढ़ाना चाहिए था, वो सर ने क्योंकि क्वालिटी उसका खराब हो जाता थोड़ा इसलिए नहीं रखा होगा, सैंपल पेपर्स उसमें नहीं डाले, ये चीज थोड़ी उनको कमी लगती है एस सी वर्मा में। सर की किताब में कोई कमी नहीं है, और मैं उतना बड़ा भी हूं नहीं कि सर की किताब की कमी निकाल सकता हूं, या कोई भी फिजिशियन आज मुझे नहीं लगता है। तो क्वेश्चन पेपर जो सैंपल पेपर नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, इन सब के लिए एक किताब और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बाय डीसी पांडे। मैं खुद डीसी पांडे सर से पढ़ा हूं, उनके बताने का अप्रोच जो है बहुत अच्छा है, ठीक है। तो डीसी पांडे सर ने अपनी जो किताब लिखी उसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स लिखे हैं बिल्कुल नीट के लिए, और वो आपको बता दूं डीसी पांडे सर किताब बहुत सारी लिखे हैं, ठीक है। तो यही आपको लेनी है ऑब्जेक्टिव फिजिक्स डीसी पांडे, दो वॉल्यूम में आती है, वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू करके, इतनी मोटी मोटी किताबें होंगी, एक आती है 7-8 वॉल्यूम में करके, वो एडवांस वाले बच्चों के लिए, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप सोचेंगे कि सर उतना हाई कर लेते हैं, क्या जाता है, आपको उतना ही चीजें पढ़ना है जितना आपके काम का हो, क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हैं, आपको फिर फिजिक्स नहीं पढ़ना आगे, तो आपको एक बढ़िया रैंक लाना है, मौलाना आजाद में बीएचयू में पढ़ना है, तो इसके लिए आपको फिजिक्स उतना पढ़ना है बस, बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करना है, नहीं तो आप बीएससी एमएससी करते पीएचडी करना होता तो मैथ्स लेके, ठीक है। तो ये आपको किताब एक और खरीदनी है, और उसमें कौन सी खरीदनी है, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स जो आप डीसी पांडे की प्रॉपर किताब आती है वो नहीं खरीदनी है, ठीक है। तीसरी चीज आपको देखिए, ये सब किताब पढ़ने का तभी फायदा है जब आपके पास एक रेफरेंस बुक हो। रेफरेंस बुक वो चीज होती है, जैसे मैंने फिजिक्स अब पढ़ाएंगे आपको जब, तो पढ़ाएंगे कि रेफरेंस लेके ही फिजिक्स की हर चीज सॉल्व की जाती है। तो अगर आप फिजिक्स की बुक की बात करें तो उसमें भी रेफरेंस बुक की बात करेंगे, तो हमारी हर चीज के लिए रेफरेंस होगी एनसीईआरटी। बच्चे एनसीईआरटी को बहुत हल्के में लेते हैं, 11th-12th की अलग अलग किताबें आती हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में जो अंदर एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे थ्योरी पढ़ाते हुए अंदर दिए हुए, वो डायरेक्ट एम्स में अभी तक क्वेश्चन आते थे, और प्रोबेबिलिटी है आगे भी आने की। तो आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मत करिएगा क्वेश्चंस की, क्योंकि वो बहुत कठिन है, आपसे होंगे नहीं अभी, ठीक है, और आपका जरूरत भी नहीं है करने का, आप सिर्फ उसके एग्जांपल्स कर लीजिएगा और थ्योरी वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक। इतनी किताबें आपको मस्त है, अगर आप इतनी पढ़ लेते हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। पर कुछ और किताब का बात बता देता हूं, नाम बता देता हूं, नहीं आपको लगेगा कि वो किताबें सर आप बोल नहीं रहे जो मार्केट में चलती रहती है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है, पर आपके पास अगर मन है समय है तो आप खरीद सकते हैं, ठीक है। एक और किताब है थ्योरी की जिसमें अच्छा एक्सप्लेन किया गया है, बहुत स्टैंडर्ड नहीं किताब का, लेकिन उसको आप पढ़ सकते हैं, एस एल अरोड़ा की थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबका एक बढ़िया मिक्सचर इन्होंने बनाया है, दो वॉल्यूम में आती है, तो इसको भी आप ले सकते हैं अगर चाहे तो। पर वो तीन बुक आप ले रहे हैं उतना कवर कर ले, मोर देन सफिशियंट है। पर अगर आपके पास टाइम है बहुत ज्यादा, आप बहुत और मेहनत करना चाहते हैं, तो ये सब लीजिए, ठीक है, उतनी बुकें लेंगे मोर देन सफिशियंट है। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं सर हमको फर्स्ट रैंक लाना है, या मुझे बहुत ज्यादा ही फिजिक्स में इंटरेस्ट पढ़ना है, तो एक और किताब है आपके लिए बता देता हूं, रजनी खैलिडे, सभी ने पढ़ी होगी, ठीक है, रजनी खैलिडे की कम से कम 150 किताब आती है मार्केट में, पर आप जो पढ़ेंगे रजनी खैलिडे वॉकर की किताब, ठीक है,
मैं मना करूंगा इसको मत पढ़िएगा, ठीक है। एक और किताब मैं आपको बता देता हूं, इरिडोप, और फिर मैं इसको भी मना करूंगा नहीं पढ़िएगा। पर मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि आप कहेंगे कि शायद हमको नहीं पता है कि इरिडोप भी कोई फिजिक्स की किताब होती है, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं ये दोनों किताब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, इतनी चीजें जब हमने आपको बता दी तो आपका थ्योरी सेक्शन बढ़िया हो गया, ऑब्जेक्टिव सेक्शन बढ़िया हो गया, तीन किताब से सिर्फ एनसीईआरटी, डीसी पांडे और एससी वर्मा, इतने चीजों को फॉलो करेंगे बढ़िया से तो आपका नीट में जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगले वीडियो में आपके लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री का लेके आएंगे बुक्स ऐसे इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ने चाहिए नीट 2020 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमें भी मोटिवेट करिए, और इसको दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।